ये मैंने एक अदद एरे बना दिया जिसके अंदर मैंने तीन वैल्यूज रखवा दी, वहां पे नहीं आई, दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या किया, लेट कॉपी इक्वल्स एआरआर वन, सही है। मैंने एक एरे बनाया, ये एक एरे बना हुआ, और इस एरे को उठा के मैंने एक वेरिएबल में डाला जिसका नाम रखा मैंने कॉपी। अच्छा अब आता हूँ मैं, और कॉपी के अंदर डॉट पुश कर देता हूँ मैं, क्या चीज़, एक नई वैल्यू 15, ठीक है, और फिर मैं किसको करवा लेता हूँ, कॉन्सोल करवा लेता हूँ कॉपी को भी, कॉपी को मैंने कॉन्सोल करवा लिया। ए आर आर वन बनाया, उसको एक दूसरे वेरिएबल में डाला, अब उस वेरिएबल के अंदर मैंने पुश कर दिया एक चीज़। अच्छा ये जो कॉपी में पुश होना चाहिए इसका ए आर आर वन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, कॉपी बन चुकी है वो, तो कॉपी में चेंजेस कर रहे हैं, तो मैंने इस कॉपी के अंदर काइंड ऑफ एक चेंज कर दिया, और इस कॉपी को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ तो इसमें ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है जी, तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गई और 15 इसमें आ गया। अच्छा अब जब मैं ओरिजिनल एरे को कंसोल करवाता हूँ जिसका नाम है ARR1, तो इसमें वो चेंजेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने उसमें तो नहीं किया, मैंने तो कॉपी में चेंज किया, सही है, लेकिन देखते हैं कि असल में होता क्या है। वो होता ये है कि दोनों में वो चेंजेस आ जाते हैं, ओरिजिनल वाले में भी आ जाती है जी। अब कौन मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पहले से आती है, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिनोमेना ऐसा क्यों है, और अगर मुझे इन दोनों को करना है। जी सर सही बोल रहे हो, कुछ आगे भी तो बोलो, कौन है तुम, खड़े होके बताओ, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो, अच्छा तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि इक्वल से, इक्वल का डिफॉल्ट फिनोमेना यही होता है, नहीं अब मैं इसको मैं कौन रोक देता हूँ ना, इसको रोक के मैं यही चीज़ नंबर के साथ करूँगा तो नहीं होगा, सही है। मैंने ए आर ओ बनाया, मैंने कहा नम वन, और नम वन में मैंने क्या रखा, 15 एक नंबर रख दिया मैंने, और मैंने कहा भाई नम कॉपी इक्वल टू नम वन, सेम काम किया मैंने। अब मैंने कहा कि यार कॉपी मुझे क्या कर दो, नम कॉपी में चेंजेस कर दो, 4 कर दो उसको 15 से। अब मैं जब यहाँ पे उसको कंसोल करवाऊँगा नम वन को और कॉपी नम को, तो क्या ये दोनों में चेंजेस आ चुकी होगी, मैंने चेंज किया सिर्फ कॉपी में, मैंने ओरिजिनल में नहीं किया, तो क्या ख्याल है कि दोनों में चेंज आ जाना चाहिए, देखते हैं। दोनों में तो नहीं आया, दोनों अलग अलग हैं, जो ओरिजिनल था 15 वो 15 ही रहा, लेकिन कॉपी में चेंज किया था वो चेंज हो गया। अच्छा तो जब हम एरे को जब हम कॉपी करते हैं ना, तो उसका डिफ़ॉल्ट फिनोमेना ये होता है कि वो क्या होता है, वो असल में मेमोरी में डुप्लीकेट नहीं होता, मेमोरी में वो एक ही रहता है। जो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो प्रिमिटिव होते हैं या नेटिव होते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने होते हैं बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है, उसको प्रिमिटिव वेरिएबल्स कहते हैं या नेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में नेटिव वेरिएबल कौन कौन से हैं, नंबर स्ट्रिंग और बूलियन, ठीक है, ये नेटिव वेरिएबल्स हैं। और
एरे और ऑब्जेक्ट ये नॉन नेटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, यानी कि ये कंस्ट्रक्ट है। जो नॉन नेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं। अंदर उसके यही तीन वेरिएबल चल रहे हैं, मतलब कुछ घुमा फिरा के उन्होंने ऐसी सेटिंग की हुई है कि अंदर यही तीन वेरिएबल है, लेकिन ऊपर से हमें लगता है कि वो एरे है। ठीक है, अच्छा उसके फिर बेनिफिट भी है, एरे नहीं होगा तो लूप कैसे चलाएंगे उसके ऊपर। तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं, लेकिन असल में वो कंस्ट्रक्ट होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं होता है, वो बाद में बनाया गया होता है उसको ऊपर से। ठीक हो गया। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, तकरीबन सारी लैंग्वेज में यही फेनोमेना होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं इस नंबर वाले को रोक देता हूँ और इस एरे वाले को मैं क्या कर देता हूँ, वापस ओपन कर देता हूँ। तो जब इसको मैं कॉपी करता हूँ ना, तो ये रैम मेमोरी के अंदर डबल नहीं होते, एक ही रहता है, और वो एक ही वेरिएबल उसके अंदर भी आ जाता है, इसके अंदर भी आ जाता है। अच्छा, अगर मुझे इसको अलग करना हो तो इस अप्रोच को कहते हैं क्लोनिंग। इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, चपक के रहती है, दोनों में चेंज आ रहा है, अगर इस तरह की चीज़ को हमें फिर ज़ाहिर डुप्लीकेट बनाना तो पड़ेगा कभी, अदरवाइज मैं जितने मर्जी कॉपी बनाता चला जाऊँ। मैंने कहा लेट कॉपी वन इक्वल्स टू कॉपी, तो ये अभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो असल में रैम के अंदर एक ही है, ये नीचे दूसरा बना ही नहीं, यहाँ पे बना ना यहाँ पे बना। अब मैं तीन वेरिएबल में किसी में भी चेंज करूँगा, तीनों में चेंज आएगा, क्योंकि अंदर एक ही है रैम के अंदर वो। ठीक है, तो अब इसके मुझे ज़रूरत तो पड़ सकती है ना कभी कॉपी बनाने की, मुझे दो चीज़ों को अलग अलग करना है भाई, आपस में ताल्लुक ना हो। तो ये हमेशा याद रखें कि जब भी हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, आप गूगल करेंगे ना एरे क्लोनिंग जावास्क्रिप्ट, तो तकरीबन 6-7 अलग अलग तरीके हैं, जिसमें सबसे आसान ये वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह करके आप करेंगे तो फिर क्या होगा, ये दोनों फिर इंडिविजुअल रहेंगे। अब मैं कॉपी में पुश करूँगा तो ओरिजिनल वेरिएबल में पुश नहीं होगा, ओरिजिनल वेरिएबल अलग हो गया, कॉपी अलग हो गया। ठीक है, तो ये छोटी सी एक चीज़ है, एक टेक्निक है, एक अप्रोच है, दिस इज़ कॉल्ड एरे क्लोनिंग। रिफ्रेश किया मैंने, देखें एक में पुश हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ये मैंने हेडिंग में यहाँ पे लिख भी दिया है, एरे क्लोनिंग। ये कॉपी नहीं कर सकते आप इसको, इसलिए आपको इसको क्लोन करना पड़ता है, इसका एक दूसरा आपको देख के वैसे ही बनाना पड़ता है। अच्छा, बाय द वे, जो ये डुप्लीकेट खुद से नहीं होता ना कॉपी करने में, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे अपसाइड हैं, इसलिए डिफॉल्ट पे वो रखा गया। ठीक है, वरना डिफॉल्ट पे ये वाला भी रख सकते थे ये, लेकिन ये डिफॉल्ट में नहीं रखा क्योंकि इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, उस वाले की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, ओके, तो हमने ये एरे क्लोनिंग का टॉपिक यहाँ पे कर लिया। अब जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना हम, तो ऑब्जेक्ट में भी, क्योंकि वो भी नॉन प्रिमिटिव और नॉन नेटिव है, तो ऑब्जेक्ट को भी इसी तरह हमें क्लोन करना पड़ता है, वो उस वक्त देख लेंगे जब ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तब। तो